सुप्रभात बच्चों, हिंदी ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी नाम हो सकता है, राम, कृष्ण, गाय, और किसी भी वस्तु को भी संज्ञा कहते हैं। कुर्सी, कार, बस, सीढ़ी, और स्थान के नाम को, जैसे कि पटना, गया, ये सब स्थान का नाम हो गया, और कच्ची पक्की, ये सारा स्थान का नाम हो गया, और दशा, दशा जैसे कि भाव को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, ऐसे इसको संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं आप संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु से मतलब हो जाता है कॉपी, पेंसिल, इससे, और व्यक्ति का मतलब हो गया राम, श्याम, ये सब। जाति का मतलब हो गया कुत्ता, बिल्ली, गाय, लड़का, ये सब। और स्थान का मतलब हो गया गया, पटना, राजस्थान। और भाव का मतलब हो गया बुढ़ापा, खट्टा, मीठा। भाव या दशा का मतलब हो जाता है वही बुढ़ापा। किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव दो जगह लिख दिए, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब तो आप लोग समझ गए, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना इत्यादि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब हम संज्ञा के भेद को जानेंगे। ऐसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। लेकिन हम यहाँ सबसे पहले संज्ञा का पहला जो है कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का
बोध हो उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, नदी, पर्वत, लड़का, मेज इत्यादि या आदि। आदि का मतलब है ऐसे और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम, अब दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, मथुरा, हिमालय। अगर इस नाम को हम संबोधित करते हैं तो लग रहा है ना कि किसी खास व्यक्ति को हम बुला रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा हो जाएगा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा, स्थिति आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा, स्थिति आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, पीड़ा,
बुढ़ापा, खट्टा, मीठा आदि। अब तो आप संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के तीन भेदों को समझ गए। कौन कौन सा भेद? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और तीसरा भाववाचक।